क्या सच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का पूरा संविधान लिखा है? आखिर कहाँ रखा गया है भारत के मूल संविधान को? आज हम संविधान पिता कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ ऐसी बातों का अध्ययन करेंगे जिन्हें लेकर आपके मन में भी कभी न कभी संदेह अवश्य आया होगा। दोस्तों, आपने जिन जिज्ञासाओं के साथ वीडियो के थंबनेल पर क्लिक किया है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इतिहास व तथ्यों के सहारे आपकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर सकूं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देश दुनिया में। भारत का संविधान दुनिया का अकेला सबसे बड़ा संविधान है जिसे हाथ से लिखा गया है। संविधान के हर पेज पर सोने के पत्ते वाली फ्रेम बनी है, साथ ही हर अध्याय के आरंभिक पृष्ठ पर सुंदर कलाकृति भी बनाई गई है। वर्तमान में भारत के संविधान को भारत के लोकतंत्र की मीनार संसद भवन के पुस्तकालय में 3-1 के बाद एक कमरों के भीतर अत्यधिक कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। यह एक गैस चैम्बर में रखा गया है जिसमें 40-50% नाइट्रोजन व ऑक्सीजन 1% है। इस कागज की सुरक्षा के लिए ऐसे ही वातावरण की आवश्यकता होती है जो नॉन रिएक्टिव हो। भारत का संविधान काली स्याही से लिखा गया है, इसलिए इसके उड़ने का ज्यादा खतरा है। इसे बचाने के लिए आर्द्रता 50 ग्राम प्रति घन मीटर के आसपास रखने की जरूरत होती है, इसलिए चैम्बर को ऐसा बनाया गया है जिसमें हवा ना जा सके। तो सवाल यह है कि क्या हम या आप मूल संविधान को देख सकते हैं या उस तक पहुंच सकते हैं? जवाब है नहीं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति और देश के सेवा प्रधान यानी प्रधानमंत्री को भी संविधान तक पहुंचने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वह कमरा तब खुलेगा जब लोकसभा सचिव, लोकसभा के सुरक्षा प्रमुख, किताब वाले कमरे के प्रभारी होंगे। इतना ही नहीं, कमरा खोलने के लिए 2 गवाह होंगे तथा साथ ही रजिस्टर में एंट्री भी अनिवार्य है। वर्ष में एक बार संविधान के सेहत की जांच होती है तथा चैम्बर में नए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने शायद ही किसी अन्य किताब या किसी ग्रंथ या किसी वस्तु को इतनी कड़ी सुरक्षा में रखा है जितना कि भारतीय संविधान को। वह शायद इसलिए क्योंकि यह ग्रंथ ही भारत की आज़ादी का प्रतीक है। तो अब सवाल यह आता है कि इसे किसने तैयार किया है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और वही संविधान राष्ट्र विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने बनाया हो अथवा संविधान निर्मात्र सभा ने बनाया हो। भारत में भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियां बनाई थी, जिसमें 8 सबसे बड़ी समिति थी। उनमें से एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। दोस्तों, यदि आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, वे ही संविधान के वास्तविक जनक हैं। क्योंकि कहने को तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, परंतु उनमें से कोई बीमार, कोई विदेश यात्रा पर, तो कोई अपने कार्यों का निर्वहन सुचारू रूप से नहीं कर रहा था। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि प्रारूप समिति के जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया गया है उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई दूसरा सदस्य नहीं आया है। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे थे और वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। एक दो व्यक्ति दिल्ली से दूर संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। तो कुल मिलाकर यही हुआ कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। दोस्तों, प्रारूप समिति ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस पर 9 नवंबर 1948 तक मतलब 5 दिन चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार चर्चा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। इन चर्चाओं में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अन्य सदस्यों के सवालों का जवाब देते थे तथा संविधान के अनुच्छेदों पर ही नहीं बल्कि कई बार तो वह शब्दों पर भी बहस कर उनका सार सभा को बताते थे।
वे लगभग 2700 से ज़्यादा बार सभा में खड़े हुए और अन्य सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। बाबा साहब ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। महान पुरुष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वास्तव में संविधान पिता हैं। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के सच्चे नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। बाबा साहब कहा करते थे, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।